सभी समर संगियों को मेरा जय भी नव बुद्ध है। मेरा नाम प्रेम माथुर, एडवोकेट फरीदाबाद से, और आज हम लोग इस संघ में जुड़े हुए हैं और जो भी हमारे नए साथी हैं उन लोगों को आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है और जो कॉन्सेप्ट के जो 10 गोल्डन रूल हैं, 10 नियम हैं, उनमें से 8वां है संघ राजनीति में नहीं जाएगा, इस पे हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम जो 10 गोल्डन रूल हैं उनको एक बार रिवाइज कर लें थोड़ा सा कि कौन कौन से 10 गोल्डन रूल हैं। पहला है कि केवल समर संघ, तो समर संघ में केवल और केवल समर संघ ही जुड़ सकते हैं जो एससी एसटी ओबीसी। दूसरा जो है वो संघ कभी चंदा नहीं लेता, कोई पर्ची, कोई रसीद, कोई पैसा नहीं लेता। समर संघ की एक खासियत है जो सभी लोग ऐसे गोल्डन रूल को सुन के जुड़ते चले जा रहे हैं। तीसरा है कि यहाँ पर जाति अभ्यास नहीं होता, जातिवाद का कोई नाम नहीं लिया जाता, यहाँ पर सभी लोग समर संघी हैं। यहाँ संविधान के अनुसार अगर बात की जाए तो एससी एसटी ओबीसी संघ में आके वो समर संघी हो जाते हैं, उनका वो भी एससी एसटी भी अस्तित्व भी खत्म हो जाता है, तो यहाँ सभी लोग समर संघी कहलाए जाते हैं। चौथा है कि केवल संघवाद, यहाँ पर संघ की ही बात होगी, संघ के बारे में ही बात किया जाएगा, संघ को आगे बढ़ाने के लिए बात की जाएगी, संघ के वेलफेयर के लिए बात की जाएगी। तो ये जो चौथा है हमारा गोल्डन रूल संघवाद, तो केवल और केवल संघ के बारे में ही बात करता है। और पांचवा है कि यहाँ पर समर संघ में ना तो कोई पद होता है, ना तो कोई सम्मान के लिए कोई किसी के अंदर लालच होता है कि मेरा सम्मान हो मुझे। सब लोग आपस में मान सम्मान करते हैं, लेकिन स्पेशली अगर कोई सोच के आए कि मेरा कुछ सम्मान हो तब मैं इस संघ में जुड़ूंगा, तो ऐसा यहाँ पर नहीं है। तो बिठा दिया जाए और मंच पे का सम्मान किया जाए, यहाँ पे कोई माला नहीं होती कि किसी का माला से किसी का सम्मान, आपस में सभी लोग सम्मान से बात करते हैं। हम सभी महिलाओं को बहन जी कह के बोलते हैं और सभी पुरुषों को सर कह के बोलते हैं, तो यहाँ पे सभी को बराबर का सम्मान दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पर पांचवा जो रूल है पद प्रतिष्ठा माला मंच यहाँ पे नहीं होता है, तो बहुत ही अच्छा गोल्डन रूल है कि इसको जो भी कोई सुनता है तो यहाँ पे सब बराबर हो जाते हैं, कोई ना बड़ा है ना कोई छोटा है। तो इसको भी लोग एक एक रूल जो है वो अपने आप में गोल्डन है, गोल्ड है। तो छठा है कि संघ कभी पंजीकृत नहीं होगा, ये जो रूल है छठा कि संघ कभी अपने आप को रजिस्टर नहीं करेगा, कि ना तो इस जब रजिस्टर नहीं करेगा इट मींस कि इसका अकाउंट भी नहीं होगा, अकाउंट नहीं होगा तो वो चंदा भी नहीं लेंगे। तो यहाँ पर सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं गोल्डन रूल, और बहुत ही एक एक के अंदर सब कुछ समाया हुआ है। तो जो छठा है पंजीकृत नहीं होगा, तो इट मींस कि किसी एक व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं होगा, तो यहाँ ये पंजीकृत की बात भी खत्म हो जाती है कि पंजीकृत भी नहीं होगा। सातवां आता है कि संघादेश, संघ का आदेश ही सर्वोपर होगा, जो संघ ने फैसला कर लिया वो ही मान्य होगा और उसको सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक का नहीं होगा। संघ का मतलब हम सब मिलके एक फैसला लेंगे किसी भी एक बात पे, किसी भी हम टॉपिक पे या किसी भी हम किसी घटना पे, वो ही माना जाएगा, उसी को ही सबको फॉलो करना पड़ेगा। जो आज का है मेरा टॉपिक जो हम लोगों को आज बताना है वो गोल्डन रूल जो है आज समर संघ का, वो है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। संघ राजनीति में ना जाने के भी बहुत से कारण हैं, क्योंकि जब रजिस्टर्ड ही नहीं है तो राजनीति में नहीं जाएगा, और राजनीति जो होती है
वो आप सब लोग जानते ही हैं कि राजनीति किस तरह से राजनीति हो रही है और पहले भी हुई है कि राजनीति के चक्कर में राज करने के लिए एक बेटा बाप को बंदी बना लेता था और भाई भाई को, तो इस तरह की राजनीति होती है। तो राजनीति में न जाने का कारण ये भी है कि राजनीति करने के लिए बहुत कुछ हमें गंवाना पड़ेगा, लेकिन राजनीति में समर संगी जा सकते हैं और समर संगी जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर कैडराइज होगा, जो समर संगी होगा, जो गोल्डन रूल को फॉलो करेगा, जो 10 गोल्डन रूल है वो फॉलो करेगा, तो वो राजनीति में भी वो अच्छा काम करेगा। तो हमारे यहाँ से समर संघ से, यहाँ से हम लोगों से बीच में ही कोई एक समर संघी या कोई भी जो भी यहाँ से राजनीति में जाएगा वो बहुत ही अच्छा काम करेगा हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, सबके भले के काम काम करेगा, क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं होगा, निस्वार्थ भाव से जो जुड़ेगा इस समर संघ में वो ही आगे तक जुड़ेगा। जिसको कुछ ना कुछ स्वार्थ चाहिए वो कुछ दिन जुड़ेगा, उसके बाद वो निकल लेगा। जिसने इस भारत देश के लिए, हम सब लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए सोचा है, भले के लिए सोचा है, वही आज इसमें तन मन धन से लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं मेहनत से और जोड़ रहे हैं लोगों को। उनका कोई पर्सनल, कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, वो चाहते हैं कि जैसे हम अभी सही से, जितने भी चाहे वो कम सेफ हैं, तो आगे चल के हमारी पीढ़ियां भी, हमारे बच्चे भी सेफ रहे और वो इस समर संघ के द्वारा ही सेफ रह सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी राजनीति में हैं और वो समर संघी भी हैं, तो उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि समर संघ में आके अगर वो पहले से ही राजनीति में है, राजनेता है, तो हमें क्या क्या करना चाहिए अपने समाज के लिए, उस देश के लिए। तो इस जो गोल्डन रूल है वो इसी से सारी चीजें, सारा देश, सारा चीज, सब कुछ टिका हुआ है। और एक एक गोल्डन रूल बात अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जो राजनीति है, राजनीति एक संघ का एक सुई की नोक के बराबर है। समर संघ तो एक विराट रूप है, बहुत बड़ा रूप है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। और राजनीतिक पार्टियां तो एक समय पे भी अंत हो जाता है, खत्म हो जाती हैं, फिर एक कोई नई पार्टी आ जाती है, नए राजनेता आ जाते हैं, पर समर संघ, संघ कभी खत्म नहीं होता। संघ, जब भी कोई सुनेगा संघ के बारे में तो वो रह नहीं पाता है, ऐसा लगता है कि हम अब वापसी अपने घर में आ रहे हैं, अपने लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। जब भी हम जूम मीटिंग करते हैं या हम फिजिकल मीटिंग करते हैं तो अंदर से रोआ रोआ खड़ा हो जाता है कि हम लोग, ये हमारा परिवार कहाँ बिछड़ा हुआ था जो अब हम लोग जुड़ रहे हैं। तो इतनी खुशी होती है अंदर से कि हम अलग अलग बटे हुए थे और हम आज कहाँ एक संघ के द्वारा मिलते चले जा रहे हैं और इतनी तेजी से जुड़ते चले जा रहे हैं कि बस दिन रात जुड़ रहे हैं। तो हमारा जो राजनीति का आज जो टॉपिक है कि समर संघ राजनीति नहीं करेगा ना जाएगा, तो यही कारण है कि हम लोग राजनीति में ना जाने का, कि राजनीति करने का मतलब है कि एक स्वार्थ पूरा करना, लेकिन एक समर संघी वो जा सकता है राजनीति में। मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोग जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े जोड़े, और आज अधिवक्ता दिवस था, स्पेशल था, तो अभी हमारे बहुत से कमी लोग हैं अधिवक्ता जो जुड़ रहे हैं, रेगुलर जुड़ रहे हैं, 1 साल से जुड़ रहे हैं। और सभी लोगों से मैं ये कहूंगा कि अगर हम जितने जल्दी जल्दी जुड़ जाएं, हम उतनी जल्दी इस देश में जो हमारा हक है, जो हम चाहते हैं, जो हमारे ऊपर एट्रोसिटीज होती हैं वो रोकें और हम जो चाहते हैं वो हमें मिले, तो जितनी जल्दी जुड़ेंगे हम उतनी जल्दी वो प्राप्त कर सकते हैं। और जितना टाइम पे हमें टाइम लगेगा जुड़ने में, हाँ ये इतनी गारंटी है कि हमें जुड़ना है, एक दिन जरूर जुड़ेंगे और सब कुछ हमारा होगा, हमारी राज भी हमारा होगा, सब कुछ हमारा होगा। तो जितनी जल्दी से जल्दी जुड़ना, जुड़े लोगों को और खुद भी जुड़े। और यहाँ तक बात है कि आज अधिवक्ता दिवस के लिए तो जितने भी हमारे वकील भाई लोग हैं वो सभी आगे इस समर संघ के बारे में बताएं, गोल्डन जो 10 गोल्डन रूल है उनके बारे में बताएं,
और उनको ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की कोशिश करें, जिससे कि हम आपस में, आज हम एक अधिवक्ता एक बहुत अच्छे बुद्धिजीवी माने जाते हैं देश में, कि किसी को भी समस्या होती है तो उनकी तरफ, उनकी नजर हमारी तरफ होती है कि शायद हमें यहाँ से कुछ रिलीफ मिलेगा। तो हम अभी आपस में ही नहीं जुड़ पा रहे हैं कि अधिवक्ता अधिवक्ता आपस में ही नहीं जुड़ पा रहे हैं। हम नहीं जानते कि अगर हमारा कोई भाई यूपी में किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में किसी कोई समस्या है, तो हमारे पास अभी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में अधिवक्ता जो वहां पे जाके एक समर समिति की हेल्प कर सके, या उनके लिए कुछ बता सके, या उनके लिए कानूनी कोई सलाह दे सके, अभी ऐसा नहीं हो पा रहा। तो हम चाहते हैं कि जहाँ पर भी हमारे तंगी भाइयों को, बहनों को कोई भी समस्या हो, वहां पे हमारा एक अधिवक्ता मौजूद हो उस डिस्ट्रिक्ट में, तो आपस में हम जुड़े, तभी हम एक दूसरे की सहायता कर पाएंगे। इसीलिए संगम नमामि नमो बुद्धाय, जय भीम, संगम नमामि संगम। सर कुछ तो आपसे एक चीज जी पूछना सर, था। साधु हेलो सर। साधु साधु बहुत बहुत साधुवाद। साधुवाद सर, एडवोकेट साधुवाद। सर मैं कुछ पूछ आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धमकी वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। धम्म शरणं गच्छामि।